मैं बार बार कहूंगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं। दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। शुरू से पाकिस्तान को पैसे दे के हराया और कैसे? क्या बकवास है, मैं बोलने से कासिर हूँ, वरना मेरे मुंह से निकल जाता कुछ। मैं मर जाना था, अल्लाह का मसला था जी। पाकिस्तान का एक तो लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है। क्या क्या बोलो? हमारी नजर हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे से दुनिया जलती है। क्या क्या करूं मैं इसका? यकीन करो, विलियम शेक्सपियर अपनी कब्र में से बाहर निकला है। उसने ऐसी ऐसी बातें बोली होंगी कब्र से निकल के। और हैं भी हम मुसलमान, और हम एक यहूदों ने सारा से मदद ले, उनसे सीखें। क्यों क्रिकेट के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हो मेरी जान? ऐसा मत करो मेरी जान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 का वर्ल्ड कप का पहला राउंड हो चुका है और पहले राउंड से ही नल्ले पाकिस्तानी बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। पाकिस्तान की टीम के बाहर होने के बाद में पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, टीम के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो सब खुल खुल के सामने आने लगा है। इस तरह की हरकत की जाती है। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के कोच है। गैरी क्रिस्टन की एक इमेज है, बहुत सिंसियर माने जाते हैं, अपने काम को लेकर बहुत समर्पित रहते हैं। अब इनको रोकना होगा। और उनके नाम काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड भी है, और उनकी उन्होंने जहाँ भी कोचिंग की है उन्होंने इम्प्रूव भी किया वहाँ की क्रिकेट को। लेकिन पहली बार ऐसा है कि गैरी क्रिस्टन ने लानतान दिए इन पाकिस्तानी टीम को। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि पाकिस्तान टीम के अंदर कोई एकता नहीं है। और सुने, कोई कुछ भी बोलता रहे, इनको सिर्फ बिरयानी खाने से मतलब है। कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। और इसी पे मजे लेते हुए हरभजन सिंह ने भी ट्वीट डाक दिया, बोला कहाँ गैरी क्रिस्टन साहब, कहाँ इन जेलों में फंसे हो आप दोबारा से इंडिया टीम की कोचिंग करें। हालांकि भारत का हेड कोच गौतम गंभीर को चुन लिया गया है, वो एक महीने के बाद अपना पदभार संभालेंगे। पाएगा मजा खेल का। लेकिन पाकिस्तानियों को पोक करने के लिए हरभजन सिंह ने ये गुगली मारी थी, जिसको देखने के बाद तो मुझे काफी आनंद आया, मजा भी आया, पाकिस्तानी चिड़े भी बैठे। इसी मतलब में पाकिस्तान की रिपोर्टर है, वो निकली बाजार में और वहां मिल गई एक खातून, और खातून को सुनने के बाद आप ये बोलेंगे ये औरत है क्या, पागल औरत है। फिजा खान को बोल जाएंगे आज आप, क्या बात कर रहे हैं। तो बिना देर के चलते हैं जालिस्तान। चल 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 चल। नो, क्यों? बस इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो मुझे नहीं आ रहा कि क्या कहना है। कुछ तो बोलो, जो भी आपकी राय है। मेरी राय यही है कि पाकिस्तान में खुद बहुत टैलेंट है, ठीक है, हमारी टीम के पास बहुत टैलेंट है। और हैं भी हम मुसलमान, और हम एक यहूदों ने सारा से मदद ले, उनसे सीखें। क्यों देख रहा है बिनो? कोच अभी हमारे गैरी क्रिस्टन ही है, वो भी तो नॉन मुस्लिम ही है। अच्छा क्रिकेट के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हो मेरी जान? मेरी बात सुने ना, ये एक जंग है ना शुरू से। अच्छा। क्या हम बर्दाश्त करते हैं कि जब इंडिया जीतता है हमें खुशी होती है? हरगिज़ नहीं। प्लेयर तो कोई भी जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, यहूदी निसार कहाँ से आ गए? अरे इसमें यहूदी और निसार आएगा, इसमें यहूदी और निसार आएगा, क्योंकि ये मुसलमान है। अगर ये मुसलमान नहीं होती तो क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट ही रहता। समझो थोड़ी बात को, ये आसमानी ज्ञान है, ऐसे नहीं मिल जाता हर किसी को। खैर तुम भी हो आसमानी ज्ञान वाली। तो ना इंडिया और पाकिस्तान की तो शुरू से नहीं ना बनती, ठीक है। जब इंडिया जीतता है तो हम लोगों को कितना दुख होता है, होता है ना? पाकिस्तान के हारने का होता है या इंडिया के जीतने का होता है? इंडिया के जीतने का होता है। अभी कोच पे आओ ना। कोच पे क्या, यहूदों ने सारा से ट्रेनिंग लेंगे। हमारे पास खुद हर चीज है, हम क्यों दूसरों से सीखें? क्या चीज है हमारे पास? टपा टप टपा टप टपा टप। हमारे मुसलमानों के पास किस चीज की कमी है? चपा चप चपा चप। चीज की कमी किस चीज की कमी, पहले मुझे ये बताएं। बुद्धि की, सुनते जाइए। अकल की, सुनते जाइए। जहन की, सुनते जाइए। सोचने समझने की क्षमता की, सुनते जाइए। विवेक की, सुनते जाइए। तर्क की, सुनते जाइए। हर चीज की कमी है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। हलवा पकाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ होता एक सुई तो बना लेते तुम लोग। हर चीज की कमी है भाई, तुम पूरी तरह नीलबट्टा सन्नाटा हो, खाली हो खाली, रिक्त स्थान। और जो जिनका कोच क्यों है गैरी क्रिस्टन? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेलती। बहुत अच्छे कोच है, बहुत अच्छे कोच है, वो अलग बात है। आपको पता है? आप मेरी बात सुन, आपकी क्या राय है? ये फंस गया। मैं आपको राय दूंगी कैमरा बंद होने के बाद। अभी मुझे आपकी राय चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार रही हूँ, ठीक है? बॉय, जो वो कोच है ना, वो बहुत अच्छे कोच है, ठीक है। वो जब हमारे खिलाड़ियों को बता रहे होते हैं, ये सुनने की बजाय बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, बिरयानियाँ खा खा के थम्स अप कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, ये डिजर्व करते हैं ऐसा कोच? नहीं, बिरयानी का टेस्ट अच्छा होगा ना, इसलिए वो खा रहे हैं। वो बिरयानी गंदी बनाए तो वो नाम तारीफ करे, बिरयानी को नहीं चाहिए।
मैच पे फोकस करें, नाम डुबो रहे हैं हमारा। ये तो है, अगर हमारे कोच चले जाते हैं अब इंडिया को ट्रेन करने के लिए, जैसे उनको अप्रोच किया जा रहा है, फिर क्या बनेगा बताएं? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा है। मंजूर खुदा है, हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? अच्छा खासा कोच है हमारे पास। नुकसान तो लॉस तो होगा, आज तक वैसे पाकिस्तान को लॉस ही तो हुआ हर तरफ से। ये भी तो देखे ना, एग्जाम्पल नहीं, ये भी तो देखे ना कि पाकिस्तान को आज तक लॉस ही तो हुआ। कैसे कैसे हर मौके पे लॉस हुआ है। देखे कौन सा लॉस हुआ है हमें इंटरनेशनल लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पे यार बहुत लॉस हुए हैं। अच्छा? जी बहुत ज्यादा। इतने लॉस हमें ही क्यों होते हैं? इसलिए कि वो क्या जलती होगी ना हमसे। हाँ, ये ना कह देना कि नहीं, ये भी है, ये भी है। क्यों जलती है? इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे से दुनिया जलती है। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। अच्छा, हम पाकिस्तानी हैं जी। पाकिस्तानी होने में ऐसी क्या खासियत है? ठीक है, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी और आप भी प्राउड पाकिस्तानी हो, लेकिन वो क्यों जलेंगे हमारे पाकिस्तानी होने से? इसलिए कि पाकिस्तान का एक तो लेवल बहुत ऊंचा है। ठीक है, हमारी नजर। अरे मेरी बहन क्या बोल रही है, क्यों मजाक कर रही है तू? सुबह सुबह बांका के आई है क्या? पाकिस्तान का लेवल सबसे ऊपर है। हाँ, भीख मांगने में सही बोल रही है। ये है या नहीं है हमारी नजर में? अच्छा। नहीं, हम है या नहीं है हमारी नजर में? पूरी दुनिया की नजर में बताए। पूरी दुनिया का मुझे नहीं पता है। ठीक है, एज अ मुस्लिम हमें तो अपने वतन से और हमें अपने मुल्क से प्यार है। ठीक है, हम हर हाल में, वो कहते ना कहाँ चिट्टा है, हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। ठीक है, सबसे अच्छा हमारा पाकिस्तान और हम यहाँ के लोग। ठीक है, ये बात है। जो हो हमारी नज़र में सब ठीक है, लेकिन दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये बताओ मेरी जान। दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो है ना, मैं क्यों सा कह रही हूँ कि हम चाइनीज या इंडियन है। हाँ, तो हमने तो मतलब अपनी तारीफ ही करनी है ना। ठीक है, हर हाल में अपनी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। नहीं, गलतियाँ भी देखनी चाहिए अपनी कि क्या गलती है। जी बिल्कुल, गलतियाँ तो फिर हैं ना, हमारी क्रिकेट टीम सुनती नहीं है कोच की, ये उनकी गलती है कि नहीं है गलती? यहूदों ने सारा कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे, कोचिंग कितनी अच्छी कर रहे थे, इन्होंने सुनी नहीं यहूदों ने सारा की। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो हम कोच गवा दें। आपको कोच की इतनी फिक्र क्यों है मेरी जान, पहले आप मुझे ये बताएं। मेरी जान क्या चल रहा है, क्या अश्लील कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कहाँ फंस गया मैं, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मुझे अपनी टीम की फिक्र है। तो ये हम अपनी बैड हरकतों की वजह से हमेशा अच्छी चीज खो देते हैं। मेरी बात सुने, ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है अगर आप ना शाहिद अफरीदी से करें तो वो ज्यादा बेहतर जवाब देगा। हमारे कोच काफी अच्छे हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड कोच है। इंडिया ने कहा है पुराने खिलाड़ी थे ना वो सही थे, लेकिन जो आपके खिलाड़ी है ना, पता नहीं क्या चल रहा है इसका हमें नहीं पता, कि पैसे खाते हैं हार जाते हैं, कि क्या मसला है, कि शुरू से पाकिस्तान को पैसे दे के हराया और कैसे इंडिया पाकिस्तान से जीत सकता है? पहले मुझे ये बताएं, किसी मामले में भी, किसी जंग में भी, क्या मेरी बात, क्या हिंदू मुसलमान के ऊपर हैवी हो सकता है, ये बताएं? हिंदू मुस्लिम ये प्रायोरिटी सुपीरियोरिटी इसको ना खुदा पर छोड़ दे, अल्लाह पर छोड़ दे, कौन इंसान कितना अफजल है, कौन इंसान कितना अच्छा है, ये अल्लाह जानता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें। वाह दीदी वाह, हिंदू मुसलमान से ऊपर हो सकता है क्या? अबे तुम मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हो सारे के सारे, और हिंदुओं की नस्ल हो तुम, कायर डरपोक बुजदिल हिंदुओं की, जिन्होंने तलवार के डर से अपना धर्म बदल लिया था, तुम उनकी नस्ल हो, इसलिए तुम हमेशा नीचे रहते हो। हिंदू तो सदा से ऊपर था और सदा ऊपर ही रहेगा। सत्य सनातन की जय हो। ना कि हम मुसलमान जो है ना, वो एक पत्थर को पूजने वाले से, क्या उसका नाम है, एक जो इंसान जिसको ये ही नहीं पता कि अल्लाह की पहचान जिस इंसान को नहीं है, ये मैं मैसेज दे रही हूँ टोटल वो लोग जो गाफिल हैं। ठीक है, मेरा टॉपिक ये है कि अगर जिनको ये ही नहीं पहचान कि अल्लाह कौन है। ठीक है, मेरी बात सुने, कि मजहबों के साथ छेड़छाड़ करना आप जुर्म कर रही हैं, मैं सही बता रही हूँ, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? एक बंदे को ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है, ठीक है, तो उससे हम क्या मशवरे लेंगे? अच्छा, उसको क्या पता हो? उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी क्रिश्चियन का अलग मजहब है, सिख का अलग मजहब है। अब आप किसी के मजहब पर उंगली उठाएंगी, आगे से उंगली वो हम पर उठाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि नहीं? मैं उंगली नहीं उठा रही, मैं उनके मजहब को गलत तो कह ही नहीं रही हूँ। उंगली उठाना वो होता है किसी पे तनकीद करना, किसी को गलत कहना, तनकीद नहीं है। जब किसी को पहचान ही नहीं है तो उनसे हम क्यों मशवरे लें? एक बंदे को पहचान ही नहीं है अच्छे बुरे की, उससे हम मशवरे लें? और डेली बेसिस पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो भी मेरी जान नॉन मुस्लिम्स की बनाई हुई है। ये मेरे हाथ में माइक चाइना का है, आपके हाथों में जो फोन होते हैं वो भी नॉन मुस्लिम से बनाए हैं। ना करें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खुदा का वास्ता हर कोई इंसान है, अच्छे इंसान बने। ठीक है, यही तो बात है, लेकिन अच्छा इंसान कोई बनता नहीं है ना, अच्छे इंसान है ही नहीं दुनिया में। ठीक है,
तो ये मोहतरमा कह रही थी पत्थरों को पूजने वाले क्या जानते कि अल्लाह क्या होता है, अल्लाह क्या होता है, अल्लाह क्या है, तुम बता दो मुझे, कोई आदमी है, औरत है, पुरुष है, ना पुरुष है, क्या है तुम ही बता दो, कोई इस्लाम को मानने वाला बता दो, कोई मोमिन मुझे बता दो कि अल्लाह है क्या। और दूसरा ये चीज कह रही है कि पत्थर को पूजने वाले, पत्थर को पूजने वाले, तुम्हारे मक्का मदीना में क्या लगा हुआ है, पत्थर ही तो लगा हुआ है, वहां कौन सा कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। अगर आप पुरानी फोटो देखो मक्का मदीना में पत्थर है, वहां जाके पत्थरों को जाके चूमते हैं, पत्थरों को ही तो चूम रहे हो ना तुम, और किसको चूम रहे हो, और एक तरफ पत्थरों को चूम रहे हैं, एक तरफ पत्थर को कंकर मार रहे हैं, इसको शैतान बोल रहे हैं, इसको अल्लाह बोल रहे हैं। तो कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि भाई पत्थर को मानने वाले ये वो, तुम खुद पत्थर को मानते हो, तुम पत्थरों के चक्कर लगाते रहते हो, 8-8, 10-10, 15-15 पता नहीं कितने लगाते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैंने तो एक बंदे का ब्लॉग देखा था पाकिस्तानी का, वो मक्का गया था, तो मैंने देखा भाई होता क्या, देखे तो सही, वहां पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरों को चूम रहे हो और चूमने के लिए मर रहे हो, पुलिस धक्के दे दे के मार रही है तुम्हारे को, बात करते हो तुम बताओ पत्थर को पूजने वाले। खैर इन पाकिस्तानियों में इतनी अकल होती तो फिर बात ही क्या थी, आज $1 बिलियन के लिए भीख थोड़ी ना मांग रहा था उनका मुल्क, और ये खुद आवाम एक एक आटे की बोरी के लिए लाइन में थोड़ी ना लग रहे होते हैं, सही बात है ना। खैर पाकिस्तानियों के कमेंट आते हैं ना, मेरे को बड़ा सुकून मिलता, आज मेरे को बोल गया तू मोदी का क्या बोलूँ आगे तो समझ गया, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो। लेकिन मेरे भाई मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, तुम ना ऐसे जलते रहो और हम तुम्हारी ऐसे ही चलाते रहेंगे, बात खत्म। पूरा वीडियो आपने देख लिया, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन आपका है। और भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता, और अगर आप नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना लाजमी है। गर्मी देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में आएगा नहीं आएगा, ऐसे माहौल में वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।